हुआ दिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे और मैं आप सभी के साथ मानसी धामी। रूसी सेना यूक्रेन पर चारों तरफ से आक्रमण कर रही है, लगातार दागी जा रही है। मिसाइलों से यूक्रेन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस बीच सोशल मीडिया के द्वारा फैला रही फर्जी खबर पर लगाम लगाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सेना पर फर्जी खबर के लिए जेल की सजा के प्रावधान वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। रूस ने फेसबुक पर लगा दिया प्रतिबंध। द कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। रूसी सरकार की सेंसरशिप एजेंसी ने प्रतिबंध के कारण फेसबुक के रूसी राज्य मीडिया समूह के खिलाफ भेदभाव का हवाला दिया। फेसबुक ने कहा, विश्वसनीय जानकारी से लोगों को दूर करता है। रूस फेसबुक पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कंपनी ने कहा कि रूस विश्वसनीय जानकारी ब्लॉक करके इससे लाखों लोगों को दूर कर देता है। रूस ने ट्विटर पर भी लगाया प्रतिबंध। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच पुतिन सोशल मीडिया पर भी लगाम लगा रहे हैं। फेसबुक पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब रूस ने ट्विटर पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। माइक्रोसॉफ्ट रोकेगा रूस में नए उत्पादों की बिक्री। माइक्रोसॉफ्ट रूस में अपने कंपनी उत्पादों और सेवाओं की भी सभी नई बिक्री को निलंबित करेगा। इससे पहले एप्पल अपनी सभी उत्पादों को रूस में बैन कर चुका है। लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। धन्यवाद।